अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबका स्वागत है रूबीना के न्यू ब्लॉग पे। तो क्या आज जुम्मा है? आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। हाँ, जुम्मा मुबारक। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ दाल गोश्त, भगारे हुए चावल, रोटी। तो सब मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए कि मेरी मन्ना की, मेरे भाईजन की शादी की सालगिरह है। हाँ, तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग तुम क्यों बना रहे? तो एक खुशी होती है ना ऐसा, अपनी बहन का कभी कभी होता है, एक साथ में जैसे बैठ के खाना वाना खा लिए तो ये बहाने दावत भी हो जाती है, साथ में बैठना उठना भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं खाना बना रही हूँ। मैंने मना कर दी बच्चे लोग को भी कि खाना आज मैं बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल गोश्त, भगारे हुए चावल। ठीक है ना ऐसा? अच्छा लगता है ना कि सब लोग मिलके बैठे हो, साथ में खाना भी ना खाओ तो अच्छी बुरी बातें भी होती है। तो इसके लिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने लेके आई हूँ बच्चे का गोश्त, बकरे का नहीं, हाँ बच्चे का गोश्त लेके आई हूँ। ठीक है, अब मैं खाना वाना खाती हूँ। खाना वाना खाने के बाद में फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। कितना बज रहा है देखो, है ना? ढाई बज गया। अभी भूख लग रही है तो खाना वाना खा के फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ठीक है, तो देखियो मैंने बच्चे का गोश्त लेके आई हूँ। हाँ, जैसे जैसे बनाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोग से मिलते रहूँगी। आप लोग भी आओ मेरे साथ खाना खाने के लिए। ठीक है, देखिए माशाल्लाह गोश्त लेके आ गई हूँ। देखो ये गोश्त है, 1.5 किलो गोश्त लेके आई हूँ। बच्चे का गोश्त है, हाँ बकरे का नहीं, बच्चे का गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त लेके आई हूँ। और उसके बाद में दूधी लेके आई हूँ। ये देखिए दूधी है। और ये मटर लेके आई हूँ, ये मटर वाले चावल बनाऊँगी भगार के, जीरा राइस ना, जीरा राइस बनाऊँगी। उसके बाद अभी तो खाना वाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद में उसके बाद में पकाने की तैयारी करूँगी, है ना? जैसे जैसे मैं पकाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोग से मिलते रहूँगी। देखिए गाइस, अभी मेरा खाना बनाने का स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैंने दाल वाल तो भिगा दी, मैं आप लोगों को दाल नहीं बता पाई, बाकी गोश्त तो साफ कर ली। गोश्त साफ करके सब अभी चढ़ाने जा रही हूँ। पता ज़्यादा मैं चार सीटी लूँगी तो मेरा गोश्त गल जाएगा, क्योंकि बच्चे का गोश्त है तो गल जहाँ रखो। 4 सीटी लूँगी तो बच्चे का गोश्त है गल जाएगा। और दाल मैंने थोड़ा टाइम पहले भिगाई थी, समझो आधा घंटा हो गया मैंने दाल भिगाई। अभी मसाला दूधी मैं आप लोग को बताती हूँ। दूधी भी छिलके हो गया और दाल भी थोड़ा भिगा के हो गया, मैंने आप लोग को बताई नहीं, अभी मैं बताती हूँ। देखो आप लोग, ये देखो गोश्त मैंने सब धो के रख दी, है ना? गोश्त धो ली, गोश्त को अभी उबाल के चार सीटी ले लूँगी। उसके बाद में अभी तो मेरा दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद में देखो दाल में मैंने अभी क्या डाली हूँ, तुअर मसूर और पीली मूंग की दाल। अब इसमें डाली मैंने हल्दी, नमक, दाल के इसको 2 ही सीटी लूँगी, ज़्यादा नहीं 2 ही सीटी लूँगी। फिर ये सब गल जाएगा, फिर मसाला सब भूनूँगी, जैसा जैसा रहेगा फिर मैं आप लोग को बताती रहूँगी। ये देखो ये मेरा गोश्त, हाँ ये गोश्त को 3-4 सीटी लूँगी तो अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद में ये मेरी दूधी, ये देखो ये दूधी भी छिलके हो गया, सब हो गया। हाँ दूधी भी काट ली, दूधी को भी 1-2 ही सीटी लूँगी, नहीं तो ज़्यादा भरता हो जाएगी। ठीक है, जैसा जैसा रहेगा मैं आप लोग को बताते रहूँगी। देखो गाइस, मैंने टोप रख दी है, देखो ये डाल, ये मैंने डाली कम से कम 7 से 8 चम्मच से, ये गर्म होएगा फिर मैं डालूँगी कांदा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दाल मेरी हो गई है माशाल्लाह, अच्छे से दाल हो गई है, दूधी रखी हूँ बनने के लिए। आपको देखते रहेगा, मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग बोलेंगे
इतना टाइम पर बात करती है, बोर हो जाती है। मसाला करके टोक रख दी, दाल हो गई मसाला। अभी इसमें डाली मैंने एक प्याज, छोटी सी प्याज थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी प्याज थी। बाकी तो मैंने उसका मसाला बना के रखी। प्याज लाल हो गई, प्याज लाल हो गई माशाल्लाह। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये होम में अदरक लहसुन का पेस्ट ना, घर में पीसते हैं। मेरा अदरक लहसुन भून के हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कम से कम ये 5 से 6 टमाटर, ज़्यादा बड़े नहीं है, इतने बड़े बड़े है। इसमें इमली का पानी भी डाल दूंगी हाँ, और मेरी दूध भी थोड़ा गलने को आई, टमाटर थोड़ा नरम होएगा ना, फिर मैं आप लोग को। और ये मसाला है, थोड़ा सी मैंने हरी मिर्ची दरदर पीस ली, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, उसको दरदर पीस ली हूँ। इसको मैंने बर्तन में निकालने के लिए हल्का सा पानी डालूंगी, क्योंकि मेरा टमाटर भी थोड़ा नरम हो जाएगा। मेरा टमाटर थोड़ा नरम हो गया, अदरक लहसुन भून लिए। ये मैंने डाली हूँ मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, देख रहे हैं ना आप लोग, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर कम ही डाली हूँ क्योंकि मैंने भुजिया उबालने के लिए भी डाली हूँ और दाल उबालने के टाइम में भी डाली हूँ। तो ये मेरा है सूखा मसाला। इसको थोड़ा 2-5 मिनट भून के देखिएगा, इस मेरा मसाला भून के हो गया माशाल्लाह अच्छे से हाँ। देखो मसाला वसाला सब मेरा अच्छे से भून गया, दिख रहा है आप लोग को, अच्छा है ना। तेल वेल मसाला सब अलग हो गया। अब मैं डाल रही हूँ गोश्त, गोश्त भी मेरा मसाला सब अच्छे से हो गया, देखो है ना। अभी गोश्त को थोड़ा इसी में डाल के थोड़ा टाइम भूनूंगी, भून के फिर दूधी दाल ये सब डाल के फिर मैं आप लोग को बताते रहूँ। खाना बनाने के टाइम में बर्तन जो भी कितने निकलते, कितने सारे बर्तन जमा हो गए। दाल गोश्त बनाने में तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन जमा हो जाते हैं। देखो मैं सब सब डाल के अच्छे से थोड़ा सा उसको भूनूंगी, भून के फिर मैं डालूंगी दाल और दूधी है ना, दाल दूधी डालूंगी। अभी चावल बनाने का है, रोटी बनाने का है। मेरा मसाला भून रहा है, गोश्त तो एकदम मस्के गए, ऐसा गल गया है ना, देखो माशाल्लाह कलर अच्छा आ रहा है ना। अभी थोड़ा सा इसको भूनते रहूँगी, थोड़ा सा इसका पानी भी सूख जाएगा और मेरी भुनाई भी हो जाएगी। देखें ना माशाल्लाह, थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह अच्छे से पक जाता है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ी सी भुर्जी, क्योंकि हमारे घर में एक जने ना भुर्जी नहीं, गोश्त नहीं खाते, तो उनके लिए बना रही हूँ भुर्जी। देखिए अभी पुदीना और पोतली काट के रखी हूँ, उसके लिए जैसे जैसा होएगा वैसे वैसे बताते रहूँगी। देखो माशाल्लाह मेरी बुनाई भी हो रही है ना, तेल भी छूट गया, देखो अच्छा कलर भी आ गया। अभी दूधी डालने का है और दाल डालने का है। दाल मैंने कैसे उबाली हूँ, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना और टमाटर, ये सब डाल के मैंने दाल उबाली हूँ माशाल्लाह। देखो मेरी दाल उबल गई, अभी डालने के टाइम में फिर आप लोग को बता दूँ। पसीना देखो इतना मेहनत कर रही हूँ मैं। देखो गाइस मेरा मसाला माशाल्लाह सब अच्छे से भून गया है। अब मैं डाल रही हूँ दाल, ये डाल रही हूँ मैं दूधी। उधर रखी हूँ मैंने चावल बनाने के लिए, तो
चावल भगाने का है। मैं डाली कम से कम 6 से 7 चम्मच तेल। तेल गरम होएगा, इसमें डालूंगी मैं प्याज का रखी। तेल गरम हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं डालूंगी प्याज। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा डालूंगी मैं जीरा। जीरा राइस बन रहा है ना, बटाना डाल के। मटर अभी आ रहे हैं तो इसके लिए मटर वाले चावल बना रही हूँ। दाल गोश्त देखो अच्छा लग रहा है ना। अब इसके अंदर भगार करने का ऊपर से जीरा, जीरा डालने से मैं थोड़ा रौनक आती हूँ। डालूंगी 2 आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत अदरक लहसुन रहेगा। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सी भून के तो थोड़ा 2 मिनट ऐसा भून के अब इसमें डालूंगी मटर। मटर डाल के थोड़ा 5-7 मिनट उसको मटर को पकने दूंगी, उसके बाद में डालूंगी चावल। अच्छा मेरे मटर देखो, ये मटर वाले चावल बना रही हूँ मैं। माशाल्लाह मेरा वटाना हो गया, नरम हो गया वटाना अच्छे से, थोड़ा सा नरम होकर ही, ज़्यादा नहीं होगा, चावल में भी हो जाएगा। चावल में भी डाल दी डालूंगी 4 चम्मच। खाना तो बन रहा है, सालन हो गया, सालन बोले तो दाल गोश हो गया मेरा माशाल्लाह। आपको बता दें देखो गाइस माशाल्लाह मेरा खाना देखो, दाल गोश देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा बन गया है। अभी खाए, खाने पे मालूम पड़ेगा और कितना टेस्टी बना है। वैसे तो मैंने खट्टा वट्टा बनाई हूँ लेकिन हाँ देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है ना आप लोग को, ये मैं सर्व कर रही हूँ। ठीक है अभी आपको दिखाऊंगी दस्तर की। बाबू रे बाबू रे, देखो गाइस माशाल्लाह मेरा खाना देखो अच्छा बनाई थी ना। ये देखो ये मेरे बच्चे को देखो, इतना परेशान करता है, ये इतना परेशान करता है ना, अभी आजकल ये बहुत परेशान करने लगा है। इसकी ना चटनी बनाऊंगी मैं, हर जाए इधर से। गाइस माशाल्लाह मेरा रोटी भी दिखाऊं, रोटी भी बताऊं, रोटी बनाई मैंने आप लोग को दिखाई नहीं, उसके लिए माफी चाहती हूँ हाँ, क्योंकि बहुत टाइम रोटी
सालन दाल गोश्त और ये मेरा सलाद। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना, अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। टेस्ट क्या करने का, बस आप लोग भी आओ खाना खाने। हाँ, और आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी वापस एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मेरे भाईजन के लिए दुआ करना, आज उनकी शादी की सालगिरह है। मेरा ने बोलो सबके लिए दुआ करना, पूरी अवाम के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।